Why I say every day, whenever I come, I say one thing. ध्यान करो, शायद तुम ऊब गए होगे ये बात सुनते सुनते कि यार बार बार ये बात क्यों कहते हो, और कोई तुम्हें राजा बना ही नहीं पाएगा। पढ़ लो चाहे जिस कोचिंग में, लंदन चले आओ, सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें उठाएगी और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगी, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब इसको देखना कॉन्टिन्यूसली, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हें राजा बनाएगी और कोई बना ही नहीं सकता। बाकी लोग मदद कर देंगे, समय पे मिल जाएंगे, कोई इस चौराहे पे मिल जाएगा, कोई इस चौराहे पे मिल जाएगा, सपोर्ट करते चले जाएंगे। जिनको तुम मंजिल पे पहुंच के याद करोगे और तारीफ करोगे उनकी, क्या रही है भैया, विदाउट हिम माई जर्नी वुड हैव बीन इनकम्प्लीट एंड आई एम इंडेप्टेड टू हिम। ऐसा बोलोगे तुम पत्रकारों के सामने, बस। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। एक्सरसाइज इज फॉर बॉडी, एजुकेशन इज फॉर माइंड एंड मेडिटेशन इज फॉर सोल। तो हिंदुस्तान की कल्चर ने कहा ध्यान योग कि हम आत्मा को भी सुधारेंगे और शरीर को भी, मन को भी। एक्सरसाइज इज फॉर बॉडी, एजुकेशन इज फॉर माइंड। अब 5 मिनट में आपसे यहां पे लूंगा। माइंड में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस। दिस सबकॉन्शियस इज विजिबल ओनली व्हेन यू क्लोज योर आईज। पंकज ने पहली बार प्री दिया, इनका नंबर बहुत खराब आया, क्यों? उसकी वजह थी, ऐसा नहीं पढ़ने में कमजोर है, कोई नहीं कमजोर है दुनिया में, इस दुनिया में कोई कमजोर है ही नहीं। अब मान लो, गौर करना इस बात पे, मान लो फॉर पास्ट 20 years ऑफ योर लाइफ यू आर इन्वॉल्व इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, दुनियादारी, फैमिली, पॉलिटिक्स, राजनीति, रिश्तेदारी, ठेकेदारी, एंड देन यू गॉट अप टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये जो 20 साल का आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें वही चीजें चल रही पुरानी। नाउ व्हेन यू विल पिक अप इनिशियली डीडी बसु, बस हो जाओगे तुरंत, क्योंकि पीछे क्या चल रहा है, फैमिली, रिलेटिव, बिजनेस, एंड यू आर इंसर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम धक्का मार रहे हो, वो पीछे से धक्का मार रहा है, तो दोनों के धक्के में नींद आ गई, लड़ाई। थकान होगी तभी तो नींद आएगी। जनरली एवरीवन इज नॉट हैबिचुअल ऑफ सिटिंग फॉर 10 hours. Everyone who comes for the preparation of civil services is not habitual for sitting for 10 hours. You can digest 2 chapati per day. One day you started eating 50 chapati. When you came for the preparation, you were not digesting anything here about the books and all. You picked up Hindu, Yojana, Kurukshetra. Economic and Political Weekly, you'll die. अगर तुम कभी पढ़ने के शौकीन नहीं रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम इजी बुक्स, पिक अप हिस्टोरिकल नॉवेल्स, बड़ी अच्छी चीज, बड़ी आसान आसान। कोई बात नहीं सर, आपको सिलेक्शन लेना है ना, दूसरे साल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन। लेकिन मान लो तुम्हारा 2 साल ऐसा ही चलता रहा कि तुम्हारा पढ़ने मन ना लगे, वो 2 साल गए। 80% people suffer from this problem. There is no one there in Delhi to counsel them. In entire India, there is no one there to counsel them. And for middle class people to maintain the preparation for 2 years is very challenging. Education. you buy the magazines for children's. Champak, Nandan, read the stories. Develop the habit of sitting and reading. This should be your first phase. If you are not habitual of sitting for 5 hours per day, तुम छोटी छोटी कहानियों की किताबें ले आओ, रामायण ले आओ बाजार से. You bring Ramayana from the market, Mahabharata from the market. They are in pictorial form. You have other easy options. Documentaries of the big personalities, Fidel Castro, Mao Zedong. सुनो लगा के. 21 दिन नींद आएगी तुम्हें. 21 दिन के बाद फिर थोड़ा सा घुसेगा, फिर मजा आएगा तुम्हें. मेरे साथ प्लस पॉइंट यही रहा ना कि मुझे सही लोग मिलते चले गए और सही गाइडेंस देते चले गए और मैं उसे एक्सेप्ट करता चला गया. सर ये बड़ी खतरनाक चीज है. It's very challenging to transform it. 21 days practice is scientifically proved. हाँ, 21 days. 21 दिन झटका मारेगा ये. 21 दिन लड़ेगा तुमसे. फिर धीरे धीरे कहानियाँ घुसने शुरू होंगी. जब धीरे धीरे when slowly the stories start entering, then you pick up NCERT. हम क्यों NCERT कहते हैं? हमें भी पता है. NCERT will not lead to the selection of civil service. But we say NCERT, one of the important reason is कि your subconscious mind will be opened by preparing the small things. When you will understand Rajya Sabha from the NCERT of class 10th, so when you will pick up Lakshmikant, it will become easy for you because you already know Rajya Sabha. So when you know here and then you read Lakshmikant from Rajya Sabha from Lakshmikant, you are able to connect. When here you are blank about Rajya Sabha and you pick up Lakshmikant, you sleep. This is again major reason we talk about NCERTs. 6 महीने काम कर लो, 1 साल बाद सिलेक्शन. पहले इसको तैयार तो करो. अगर तुम्हारा पढ़ाई का मन ना करे तो कभी कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाया करो, कुछ काम किया करो. जैसे ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाओ जाके और यहां से कलकत्ता तक चले आओ. अगर बच गए, थोड़ा चांस कम है, लेकिन मान लो बच गए तो इतना पढ़ोगे बैठ के. 70 की सीटिंग में 800 लोग बैठे, 3-4 हाथ है, 5-6 पैर, उसी में एक सर निकला हुआ है. तुमको मतलब सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएगा, वहां की दशा देख लोगे ना, 3-4 दिन कोमा में रहोगे. जब भी तुम्हारा मन, पहले तो मन के चक्कर में चलो ही मत. आज सुबह मुझसे कार्तिक ने पूछा कि मन चंचल क्यों है. चंचल नहीं है. तुम्हारी उम्र कितनी? 21. अब इनकी उम्र 21 साल. 21 साल इन्होंने सब कुछ मन के कहने पे किया. इमेजिन करके देखो, तुमने 21 साल किसी का हुक्म माना और 22वें साल में तुम उससे कह रहे हो कि अब तुम मेरा हुक्म मानोगे. वो मानेगा? विद्रोह कर देगा तुरंत. इस आदमी ने तुम्हारे ऊपर 21 साल शासन किया है. उसने कहा कि बर्गर खाना है, तुम ले आए बर्गर. इसीलिए जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसकी जिंदगी नरक हो जाती है. शुगर के पेशेंटों को देखो, और आमतौर पर अमीरों को होती जिनके पास पैसा है. अमीर नहीं मतलब पैसे वाला, अमीर और पैसे वाले 2 अलग अलग बातें हैं. इनका पैसा है, ज्यादातर उन्हीं को होती है. मिठाई दुकान के सामने खड़े हैं, ड्राइवर 2.5 किलो मिठाई खा गया. नहीं, ड्राइवर 2.5 किलो मिठाई खा गया और साहब रोस्टेड चना खा रहे गाड़ी में बैठ गए. मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? और अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे. कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता. अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो